आज तो मजा आ गया राणा साहब, मजा आ गया। कैसीनो बंद होने के बाद भी घर जाने को दिल नहीं कर रहा। वाह कमाल हो गया आज तो। भैया मजा आया, बहुत मजा आया। गुड नाइट राणा साहब। गुड नाइट। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज सुबह सुबह यहाँ पुलिस स्टेशन में हड़ताल चल रही है क्या? आज मैं तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। बड़े पंक्चुअल हो गए, पूछो। कल रात राणा के कैसीनो को बम से उड़ा दिया किसी ने। कमाल है, ये खंडाला में क्या होते जा रहा है? कल रात जगदीश के स्टोर को भी बम से उड़ा दिया किसी ने। जब राणा के कैसीनो में ब्लास्ट हुआ तब तुम कहाँ थे? जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ तुम कहाँ थे? मुझसे सवाल मत करो, जितना पूछता हूँ उसका जवाब दो। मेरा सवाल ही तेरे हर सवाल का जवाब है इंस्पेक्टर। देखो मेरे पास कुछ ऐसे गवाह है जो ये साबित कर सकते हैं कि राणा के कैसीनो में जब ब्लास्ट हुआ तब तुम वहां मौजूद थे। मेरे पास भी ऐसे गवाह जो साबित कर सकते हैं कि जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ तब राणा ही नहीं तुम भी वहां मौजूद थे। क्या बात है? इसका कहना है कि राणा के कैसीनो में ब्लास्ट मैंने किया है। पर ब्लास्ट के वक्त विजय हमारे साथ था भाई। गलत जगह हाथ डालने की तुम्हारी बड़ी गलत आदत है इंस्पेक्टर। ओए, मेरा नाम इंस्पेक्टर कानून गो है। मैं जहां भी जाता हूं वहां से कानून गो हो जाता है। यू बी केयरफुल, समझे? कानून के हाथ मजबूत होने चाहिए इंस्पेक्टर कानून गो। Now you may go. जब तुम उस पागल कुत्ते के गले में कानून का पट्टा नहीं डाल सकते तो हमारे टुकड़े मुफ्त में क्यों तोड़ रहे हो? ऐसी बात नहीं है राणा साहब, लेकिन इस वक्त उस पर हाथ डालना कोई अकलमंदी की बात नहीं है, क्योंकि खंडाला के सारे व्यापारी आज उसकी तरफ हो चुके हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते उस छोकरे से तुम डर गए हो? अब तो उससे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यह काम मैं बादशाह खान से करवाऊंगा। बादशाह खान? बंबई के जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, बादशाह खान।
अदालत में तूने ही मेरे खिलाफ गवाही दी थी ना? दी थी ना? मेरे खिलाफ बोलते समय तुझे अपनी मौत का ख्याल नहीं आया? सरकार ने मुझे 2 साल की सजा दी थी, 200 साल की नहीं, जो मैं बाहर ना था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो? यहां कोई किसी को माफ नहीं करता। मैंने भी जज साहब से कहा था मुझे माफ कर दो, खून करना मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी है, पर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। गुनाहगारों को माफ करना देवताओं का काम है, मुझ जैसे राक्षस का नहीं। मतलब तुम्हारी नींद हराम करने वाला भी कोई खंडाला में आया है। ठीक है राणा, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो छोकरा विजय अब अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाएगा, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लेकिन एक बात याद रख लो राणा, बादशाह सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। अगर कल उस छोकरे ने मुझे 5 लाख 1 रुपया भी दिया ना, तो मैं तुम्हारा काम भी तमाम कर सकता हूं। मौत का खौफ खाकर अगर विजय ने तुम्हें 5 लाख 1 रुपया दिया ना, तो मेरे पास आना, मैं 5 लाख 2 रुपए तैयार रखूंगा। अच्छा बोलते हो राणा। ठीक है, तो अगले हफ्ते खंडाला में मुलाकात होगी। अपनी आंखों से उस लौंडे की चिता देखोगे तुम। सर सर, अब तो आपको मेरी तनख्वाह डबल कर देनी चाहिए। क्यों, मेरी शादी होने वाली है क्या? नहीं सर, शादी हो आपके दुश्मनों की। वो क्या है कि जब से आपने मुझे पीटना बंद किया है तो मेरी खुराक डबल हो गई है। हाँ कोई बात नहीं, पीटना फिर शुरू कर दूंगा, लेकिन तनख्वाह की बात मत करना। आज मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है, क्या बात है। डैडी वो मुझे बोलना बोलना, तुझे क्या हो गया? तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? वाव वाव वाव, सुना मेरी बेटी को प्यार हो गया। कौन है वो? डैडी मुझे विजय से प्यार हो गया है। विजय विजय अपना, आज तो तूने मेरी बेटी होने का सबूत दे दिया। इसका मतलब कल तक आपको शक था? शराब बेटी, जिसको मैं बिजनेस पार्टनर बनाने की सोच रहा था, तूने उसे लाइफ पार्टनर बना लिया। बोलो कब कर रहे हाथ पे ले? मेरी बेटी तो शर्माना भी सीख गई है, लगता है इसकी शादी फौरन करनी पड़ेगी। सर सर, अगर आप कहे तो मैं भी ऐसे शर्माना सीख लूं, मेरी भी शादी करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं, तुम्हारी धुलाई के जो राइट्स है वो सिर्फ मेरे पास है, वो किसी कन्या को नहीं दिए जा सकते। जाओ ओ, क्या करती हो? सोनिया सोनिया, आई लव यू आई लव यू। सोनिया क्या हुआ? यहाँ वो हाथी का बच्चा तो नहीं आ जाएगा ना? कौन हाथी? अरे वही तुम्हारा भाई। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे भाई से मेरा हाथ मांग लो? हिम्मत तो बहुत करता हूँ डार्लिंग, लेकिन उस हाथी के हाथ का ख्याल आते ही हिम्मत टूट जाती है, मैं क्या करूं? भूल जाओ मुझे। भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊं, जिसे पाने के लिए दुनिया छोड़ी जूते खाए उसे भूल जाऊं? ठीक है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो हाथी तो क्या, मैं किसी भी खूंखार जानवर से लड़ सकता हूं। आने दो, से आने दो, देख लेते हैं आज या तो मैं नहीं या वो नहीं। कौन है मैं? भैया भैया कहाँ रह गए थे आप? हम आपकी बात कर रहे थे। इनसे मिलो, ये मेरी बहन है। मैं मेरा मतलब है आपकी बहन है। बोल हाथी? नहीं, हाथी नहीं, हाथी नहीं, जंगली सूअर। वो हाथी और चूहे की कहानी सुना रहा था। कमीने सपेरे की औलाद, मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना भैया ना, यही तो मेरे होने वाले सुहाग है। अच्छा सोनिया, ये सुहाग नहीं, वो आग है, आग जो घर को जलाकर राख कर देगी। आज मैं इसका टुकड़ा हट 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 हट, तलवार नहीं उड़ाना, तलवार नीचे, तलवार नीचे, तलवार नीचे, ए तलवार नीचे, ए तू तो तलवार ऐसे निकालता है जैसे बच्चे जेब से कोटी निकालते हैं। ए तलवार नीचे, ए केले से डरता मेरे को, केले से डरता मेरे को। अरे अरे हत्यारे, तूने ये क्या कर दिया? बहन का खून कर डाला,
अरे अरे लोग तो अपनी बहन के लिए जान देते हैं और तूने अपनी बहन की जान ले ली। क्या है सचमुच मर गई? ये क्या नाटक कर रही है? नाटक कर रही है? अब तू नाटक मत कर, तू नाटक मत कर। इधर देख नहीं तो दूंगा एक। चुप 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 चुप, वरना एक। जालिम, तू भाई नहीं कसाई है। अब मेरा क्या होगा? तुझे नहीं मालूम क्या होगा? तुझे नहीं मालूम क्या होगा? खड़ा हो, मैं बताता हूँ। पुलिस आएगी, तुझे गिरफ्तार करेगी। अदालत में जज तुझे फांसी की सजा सुनाएगा। काल कोठरी से फांसी के फंदे तक तू कैसे पहुंचेगा ये तू जाने। तेरे दाएं और बाएं दो काले संडे मुसंडे जल्लाद, मुंह पर काला कपड़ा, तुझे लटकाने के लिए तैयार। मुझे बचा लो। नहीं, मैं नहीं बचा सकता। तू एक काम कर, तू जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जा, और मैं तो समझता हूँ ये शहर छोड़ के भाग जा, और कम से कम 5-7 साल तक इधर आने का नाम नहीं लेना। लेकिन मेरी बहन का किन अगर गौर करेगा? मैं सारे काम कर दूंगा। भाग जा, पलट के मत देखना 5-7 साल तक। और जब तू 5-7 साल के बाद यहाँ वापस आएगा तो 5-7 नन्हे मुन्ने तुझे मामा मामा कह के लिपट जाएंगे। मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। तुम मेरे बगैर बच्चे कैसे पैदा करोगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर क्यों बुढ़िया, सब्जी करने निकली है क्या? बस छोटे, थोड़े दिन रुक जा। ये बुढ़िया इसी बाजार में अपने जवान बेटे के लिए कफन भी खरीदने निकलेगी। क्यों बुढ़िया, निकलेगी ना? तूने मुझे थप्पड़ मारा? काश ये थप्पड़ बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारा होता तो आज बड़ों के साथ तुम बदतमीजी नहीं करते। इतनी समझ होती तुम में। शुक्र मान बुढ़िया जो हमारे माँ बाप ने हमें औरतों पे गोलियां चलाना नहीं सिखाया, नहीं तो माँ कसम इस तमंचे से तेरा वो हशर करता जो राणा साहब तेरे विजय के साथ करने वाले हैं। आंटी, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे कपड़े पैक कर रही हूं, तुम बंबई वापस जाओ। मगर क्यों? क्यों? अरे पगले, तुमने किसको अपना दुश्मन बना लिया है? राणा को? वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, कभी कुछ भी कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने सदमे बर्दाश्त किए हैं कि कलेजा पत्थर का हो गया है। लेकिन भगवान ना करे कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। माना कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हें अपने कोख से नहीं जन्मा है मैंने, लेकिन सगी औलाद से ज्यादा प्यार करती हूं। चल अपनी इस मां का कहा मान ले और चला जा यहां से। चला जाओ, अपनी मां जैसी आंटी को छोड़कर चला जाओ। मौत के डर से कोई बेटा अपनी मां को छोड़कर नहीं चला जाता। आंटी तू फिकर मत कर, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों बेमौत मरना चाहते हो विजय? आखिर तुम समझते क्यों नहीं किस मकसद को लेकर आए थे तुम यहाँ? उसे भूलकर दूसरों के हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया? क्या जरूरत है दूसरों के लिए लड़ने की? जैसे चल रहा था वैसे चलने दो ना। इन्हें क्या जरूरत है दूसरों के लिए लड़ने की, सूली पर चढ़ने की, जिनकी तुम दिन रात पूजा करती हो? तुम्हें तो इनकी सच्चाई के पाठ मुझे बचपन में पढ़ाए थे जो मैं आज तक नहीं भुला पाया। अगर मेरी जिंदगी के रास्ते सही हैं,
तो ये मुझे अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। राणा, राणा, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? खंडाला में आग लग गई है क्या? बहुत बुरी खबर है। तुम जब भी आते हो कोई ना कोई बुरी खबर लाते हो, बोलो। याद है राणा, 14 साल पहले तुमने खून किया था। 14 साल पहले तो मैंने अपने बाप का खून किया था। उसके बाद याद है तुमने एक और खून किया था, कलेक्टर का। और विजय उसी कलेक्टर का बेटा है, और वो खंडाला अपने मां बाप के कातिलों का पता लगाने आया है। और जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि उसके मां बाप का खून तुमने किया था, तो जानते हो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? जब उसका बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो बेटा क्या बिगाड़ेगा? वैसे भी मैंने विजय का बंदोबस्त कर दिया है। हाँ, हमारे खिलाफ एक दो लड़ाई उसने जरूर जीती है, मगर आखिरी जंग अभी बाकी है, और इस जंग में जीत हमारी ही होगी। इससे पहले कि विजय के हाथ मेरे भाई के गर्दन तक पहुंचे, मैं उसे खत्म कर दूंगा।